गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिता वास फॉर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज तो सबके घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और मेरे घर में तो पहले से ही लक्ष्मी विराजमान है। वह तो आप जानते ही होंगे कौन है, मेरी बेटी। पहले से लक्ष्मी पूजन करती थी मैं, लेकिन आज 2 साल से मैं लक्ष्मी पूजन बहुत ही अच्छे से करती हूँ। ये रही मेरी लक्ष्मी, ये है मेरी लक्ष्मी, देखिए इसे। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे ही बने रहिए, शाम को पूजा में क्या कुछ होता है मैं सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी तो मैं बाजार करने जा रही हूँ, अगर हो सके तो मैं बाजार का शूट जरूर करूंगी, तो आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बाजार से घर और सारा कुछ ले लिया है मैंने। काफ़ी भीड़ था वहाँ पे, इसलिए मैंने सूट नहीं किया और सब कुछ ले लिया है मैंने। अभी मैं जा रही हूँ किचन क्योंकि इनको भूख लगी है और मैं सोच रही हूँ अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, खाना भी नहीं बनाया अभी तक, तो मैं सोच रही हूँ कुछ इनके लिए खाने के लिए बना दूँ। और मम्मी जी भी कुछ नहीं खाई है, नाश्ता सुबह के कर लिए हैं दोनों लोग, लेकिन अभी तक खाना नहीं खाया। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा बना दूँ प्याज ना पड़े, वो मैं कुछ ऐसा कुछ बना लेती हूँ। तो मैं जल्दी जाके पहले उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर लेती हूँ, उसके बाद मामा का बोला बेटा उसके बाद मुझे भोग भी बनाना है और रात का बहुत कुछ ऐसा बनाना है मुझे, जैसे कि पूड़ी, छोले, खीर, बहुत ऐसा कुछ बनाना है और टाइम बहुत लग जाएगा उसमें। तो अकेली हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ये सब करने में। और इसके बाबू देख लीजिए, इसका कपड़ा वपड़ा सब उतार दिया है इसने और एक आंख भी इसका निकाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। इतने सारे डॉल्स है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, बहुत डॉल्स है इसके और इसको डॉल्स ही चाहिए। बाबू बाबू। तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए, क्या कुछ होता है मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। सो फ्रेंड्स अभी शाम के कितने बज रहा है? 6 बज रहे होंगे शायद। तो शाम के 6 बज रहे और मैं लग गई हूँ पूजा की तैयारी में और मैंने सब कुछ बना लिया है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को पूरी, खीर और छोले बनाना है, तो सब बन के रेडी है। अब मैं आ गई हूँ पूजा स्थान पे, पूजा के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, सारा कुछ तैयार कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फल लिया, मैंने 5 किस्म का फल लिया हुआ है। हाय कर दो, हाय, नमो नमो कर दो, नमो नमो। तो मैं यहाँ पे सब कुछ तैयार कर रही हूँ। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सारी तैयारी कर रही हूँ, हो गया लगभग। अब मैं ऊपर आ गई हूँ पूजा स्थान पे, मुझे यहाँ पे कलश स्थापना करना है। मैं पहले तो नहीं करती थी, अभी 2 साल से जब से बेटी हुई है तब से मैं कलश स्थापना करती हूँ और अच्छा लगता है कलश स्थापना करके पूजा करना। तो 2 साल से मैं बहुत ही अच्छी तरह से पूजा करती हूँ, ये लक्ष्मी पूजन बहुत ही अच्छे से करती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है इस पूजे में वो है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैंने कलश स्थापना भी कर ली है और पूजा भी कर ली है, सब कुछ यहाँ का तो हो गया। तो फ्रेंड आप लोग देख लीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं पड़ोसी के बेटी को बुलाती थी और घर पे उसका पाँव धुलाती थी, उसको पूजती थी, अब तो अपने घर पर ही लक्ष्मी है। तो यहाँ का तो सब कुछ हो गया है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ से मैं 2 दिए बाहर ले जा रही हूँ मेन गेट में, वहाँ पे 2 दिए रख रही हूँ यहाँ पे। तो घर का तो सब कुछ हो गया है अभी फ़िलहाल और अब हमें चलना है अपनी बेटी का पूजन करने। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ और मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है फ्रेंड, तो
शायद आप लोग बोर हो जाते हैं देख देख के। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के पूजन के लिए एकदम से लग गई हूँ, देख सकते हैं आप लोग। बड़ा ही सुकून मिलता है ऐसा पूजा करके मुझे। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। देख सकते हैं आप लोग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके। और ये महारानी अपनी मोबाइल पे व्यस्त है, देखिए इसका फेवरेट मिठाई है ये फ्रेंड। बड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड बेटी को चुनरी ओढ़ा रहे हैं, हाय नज़र ना लगे, देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है ना, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ये देखिए ये देखिए मेरी बच्ची, अच्छी लग रही है ना, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। अभी तो एक काम करना बाकी रह गया, देख लीजिए ये देखिए। ये ना कर लेना तो पूजा मुझे नहीं लगता कि सफल होगा, ये ज़रूरी है, देख सकते हैं आप। ये सब तो मैं पहले पड़ोसी के जो पास में ही है उसके उनकी बेटी को बुलाती थी और ये सब करती थी, मुझे बड़ा सुकून मिलता था ये सब करके। मैं पहले से ही करती आई हूँ, अब 2 साल से अपनी बेटी के लिए करती हूँ। भगवान का महिमा अपरंपार है, सही बात है। वो भी देख रहे थे कि किसी किसी के घर की लक्ष्मी को बुला के ये पूजा करती है, तो इसके घर में ही क्यों ना लक्ष्मी दिया जाए। थैंक यू भगवान जी मेरे घर में लक्ष्मी देने के लिए। तो यहाँ पे पूजा हमारा हो गया, हाय ये देख सकते हैं आप। अब इसे अपने पूजा स्थान पे रखिए या अच्छी जगह पे आप रखिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहीं पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कौन से सिटी से देख रहे हैं आप वीडियो। अब हमारा पूजा हो गया है कम्प्लीट। सो फ्रेंड्स रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरा पूजा सब कुछ हो गया है और मैंने अपना व्रत भी तोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, शुभ रात्रि।